हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी। लुकिंग आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है, एकदम खिली खिली हमारी ये खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को पूरा ज़रूर से देखिए। देखने और बनाने के बाद यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैं एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। घी गर्म हो गया है, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 10 से 12 मैंने यहाँ पे करी पत्ता ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का आलू लिया है, तो मैं यहाँ पर उबला हुआ आलू ले रही हूँ जिसको मैंने काफ़ी छोटे पीसीज में कट कर लिया है। डालकर हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो आलू हैं अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कच्चा आलू लेकर उसको फ्राई कर वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे बिल्कुल हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ऐसे ही उबला नॉर्मल आलू डाल दिया है। इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और नमक मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है क्योंकि इसे हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये 1/4 कप मूंगफली डाल दूंगी जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं केवल आज इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे ये 1/2 कप साबूदाना लिया है जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर लिया था। हम हाथ से दबा रहे हैं तो जो सोक किया हुआ साबूदाना है अच्छे से प्रेस हो रहा है। इट मीन जो साबूदाना है अच्छे से सोक हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये 1/2 नींबू लिया है, इसे हम इस तरीके से स्क्वीज करेंगे और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एकदम खिली हुई हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार होती है। और देखिए, मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसको ढक दूंगी लगभग 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिससे जो साबूदाना है अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। लगभग 4 मिनट हो चुकी हैं, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं तो जो साबूदाना है अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है। और मैंने इसको 1 से 2 बार बीच बीच में चला भी दिया था जिससे ये एकसार पक जाएगा, लगेगा भी नहीं। और देखिए कितना खिला हुआ हमारे ही साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। हेल्दी भी है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किया जो काफ़ी अनहेल्दी हो। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ती। इसके बाद फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे नवरात्रि में या कोई भी फास्ट हो तब भी आप इसे बना सकते हैं, या कुछ हेल्दी खाने का मन है तो आप इस साबूदाने की खिचड़ी को भी बना सकते हैं। काफ़ी टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होती है। खिचड़ी बनकर तैयार है और इसे मैंने गर्मा गर्म सर्व किया है। लुकिंग देखिए कितनी बढ़िया है और जो साबूदाना है अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इस नवरात्रि आप इस रेसिपी को बनाइए, इंजॉय कीजिए। और बनाने के बाद यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ने और वही रेसिपी लेकर आना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मुझे मिलती है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।